क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि एनिमल्स और प्लांट से भी हम हासिल कर सकते हैं या फिर इन्हें लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। 3 मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो कि है कोल। क्या आप जानते हैं कि कोल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सॉलिड फॉसिल फ्यूल है, इसके ब्रेक डाउन से हमें बहुत से इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हासिल होते हैं। वो प्रोसेस जिसके जरिए इन प्रोडक्ट्स को हासिल किया जाता है, इसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहा जाता है। सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है, और वो ये दैट व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या होता है। बाय डेफिनेशन स्ट्रॉन्गली हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यानी जब कोल को स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है ऑक्सीजन या एयर की एब्सेंस में, तो इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहा जाता है। मेन प्रोडक्ट्स जो कि हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हासिल करते हैं वो हैं कोल गैस, अमोनिकल लिकर, कोल टार और कोक। अब सवाल ये है कि कोल किस तरह बनता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ कोल कुछ इस तरह से होती है कि जो डेड प्लांट्स जिसे वुड कहा जाता है, तो जब ये जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं तो इसके बाद जो होता है बैक्टीरिया की प्रेजेंस में स्लो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ये वुड जो है वो पीट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद जो होता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के रिजल्ट में अंडर द अर्थ क्रस्ट जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मिलियंस ऑफ एयर गुजरने पर ये पीट जो होता है वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ कोल। फर्स्ट यूज ऑफ कोल है हमारे पास, कोल इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल टू मिनिमाइज द यूज ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल को हम घरों में और साथ ही इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं फ्यूल के तौर पर, ताकि हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के इस्तेमाल को कम से कम कर सके। सेकेंड यूज है कोल का, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कोल को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। थर्ड यूज ऑफ कोल है हमारे पास, कोल इज यूज एज अ सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड्स। कोल से हम डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं, जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स। सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है पेट्रोलियम। वर्ड पेट्रोलियम डेराइव किया गया है टू लैटिन वर्ड से, पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। यानी वर्ड पेट्रोलियम का मतलब है रॉक ऑयल। यही वजह है कि पेट्रोलियम को रॉक ऑयल, मिनरल ऑयल या फिर लिक्विड गैस भी कहा जाता है। पेट्रोलियम एक थिक स्टिकी विस्कस लिक्विड है जो कि ब्लैक कलर का होता है, और ये जमीन के अंदर से हासिल किया जाता है। पेट्रोलियम कम्प्लेक्स मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, मोस्टली अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इसमें मौजूद होते हैं। पेट्रोलियम फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है कि जब डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अर्थ क्रस्ट में बरिड कर दिया जाता है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन स्लो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के रिजल्ट में मिलियंस ऑफ एयर्स गुजरने पे हमारे पास पेट्रोलियम फॉर्मेशन होती है। याद रखें कि अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल कहा जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं चंद इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स जो कि पेट्रोलियम से हासिल किए जाते हैं। इनमें मीथेन, इथाइलीन, एसिटाइलीन, बेंजीन, टोलीन और ज़ाइलीन शामिल हैं। चलिए डिस्कस करते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो कि मिक्सर है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का। तो अब सवाल ये है कि नेचुरल गैस जो कि मिक्सर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, जबकि हमने अभी डिस्कस किया कि पेट्रोलियम भी मिक्सर है हाइड्रोकार्बन्स का, तो फिर नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में क्या डिफरेंस है। याद रखिए कि नेचुरल गैस हमारे पास मिक्सर होता है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का, जबकि पेट्रोलियम मिक्सर है हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। सो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। याद रखें कि नेचुरल गैस मिक्सचर होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का। मोस्टली जो पोर्शन होता है नेचुरल गैस का वो मीथेन, यानी कि 85% हमारे पास नेचुरल गैस में मीथेन मौजूद होती है। दूसरी गैसेस जो कि हमारे पास नेचुरल गैस में मौजूद होती है वो है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, जो कि स्मॉल अमाउंट में मौजूद होती है।
चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।